नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और कहां किन इलाकों में ज्यादा प्रभाव कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है और किन जिलों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, क्योंकि राजस्थान में लगातार सर्दी का पारा हाई होता दिखाई दे रहा और कई शहरों में शीतलहर की चपेट में। तो किसान भाई, आपको खबर में आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में राजस्थान की मौसम की ताजा व बेहतरीन खबर ऐसे ही मिलती रहे। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 21 जनवरी से उत्तर व पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाला अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों में यह झमाझम भारी बारिश व ओलावृष्टि आपको देखने को मिल सकती है। 21 जनवरी से एक ताकतवर यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय के क्षेत्र में कश्मीर और हिमालय के उत्तराखंड के एक बड़े इलाकों में भारी बर्फबारी का अंदेशा है। तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में राजस्थान में भी इसका प्रभाव सीधा देखने को मिल सकता है। उत्तरी राजस्थान के बड़े इलाकों में 21 जनवरी से 23 जनवरी तक मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि राजस्थान में लगातार शीतलहर व अति शीतलहर का अलर्ट है। 21 को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का असर अभी भी आगे जारी रहने की संभावना मौसम विभाग है, क्योंकि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से सक्रिय हो रहा है। इसका असर राजस्थान समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 22 जनवरी तक 23 जनवरी तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी, पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर पार करते हुए पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच जाएंगी। मौसम विज्ञान के अंदर जयपुर के अनुसार सीकर, झुंझुनू, टोंक, अलवर यहां भीलवाड़ा में कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी रहेगा, जबकि अजमेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली व कोटा सहित माधोपुर में केवल कोहरा देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर में कहीं कहीं कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में ये जिले रहेंगे, जो कि ग्रामीण इलाकों में बेहद ही घना कोहरा छाया रहेगा, इससे दृश्यता प्रभावित। हालांकि सीकर व शहर में आबादी इलाकों में 9 से 10 बजे तक धूप खिलना शुरू हो जाएगा। 21 व 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने को देखने को मिल सकता है। मौसम की ताजा व बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको रोजाना नई नई मौसम की अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद।